नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि भारती। आप देख रहे हैं बी भारत नेपाल टाइम न्यूज। हाईवे पर खड़े वाहनों से सामान की चोरी करने वाले तीन अंतरजनपदीय अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्ती प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राधे श्याम राय व प्रभारी स्वाट राजकुमार पांडे मैं टीम द्वारा चैनपुरवा ओवरब्रिज के पास से समय करीब 8:30 पर अभियुक्तगढ़ अजय साहनी उर्फ खदेरू पुत्र राम दयाल साहनी निवासी दिहवा बुगटा थाना गीडा जनपद गोरखपुर बिस्लू निषाद पुत्र राम सावर निषाद निवासी तेनुहारी थाना गीडा जनपद गोरखपुर गोपाल कुमार पुत्र सुखई कनौजिया निवासी केशवपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से 2 अदद न्यायज तमंचा कारतूस व चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को निशानदेही पर चैनपुरवा पांडे बाजार मार्ग के बाएं तरफ बने कटरे के झाड़ियों से 2 पेटी 96 पैक बंटी गोल्ड रम व 16 लीटर फॉर्चून सरसों का तेल बरामद किया गया। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्तों के ऊपर पहले से 2 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राधे श्याम राय स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार पांडे SSI योगेंद्र नाथ थाना कोतवाली जनपद बस्ती चौकी प्रभारी पटेल चौक सर्वेश कुमार थाना कोतवाली जनपद बस्ती चौकी प्रभारी बड़ेबन मुरिंद्र त्रिपाठी थाना कोतवाली जनपद बस्ती अमरेश राय देवेंद्र यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती राकेश यादव राकेश कुमार रविशंकर धीरज यादव स्वाट टीम बस्ती रहे।